नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कुछ दिनों से हमारी चर्चा चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में हर एक ग्रह के प्रभाव को लेकर हो रही है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में शनिदेव अपना क्या प्रभाव देते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप भी अपनी चंद्र कुंडली अपने सामने निकाल कर रख लीजिए और हम लोग मिलकर देखेंगे कि चंद्र कुंडली के प्रत्येक भाव में शनिदेव अपना किस प्रकार से फल देते हैं। सबसे पहले बात करें लग्न की। अगर लग्न में ही चंद्र कुंडली में शनिदेव विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसे व्यक्ति मानसिक परेशानी झेलता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। सबके साथ होने के बावजूद उसे एकांत अच्छा लगेगा। ऐसा व्यक्ति अधिक विचार करने वाला होता है। किसी भी बात को लेकर निरंतर विचार उसके मन में चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व गंभीर कहा गया कि ऐसा व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व वाला होगा। कुछ जानकारों ने चंद्र कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में शनिदेव के होने से कहा कि व्यक्ति धन व बंधु से हीन होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के पास धन की भी समस्याएं होती हैं और ऐसे व्यक्ति को उसके जो बंधु होते हैं यानी जान पहचान के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, ऐसे लोगों से रहित बताया गया। यानी ऐसे लोगों से व्यक्ति की दूरी बनी रहती है। वहीं अगर बात करें द्वितीय भाव यानी धन भाव की, अगर चंद्र कुंडली के धन भाव में शनिदेव विराजमान हो तो ऐसे जातक की माता को कष्ट बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जातक की माता को कष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कटु वाणी वाला होता है, यह कह सकते हैं कटु सत्यवक्ता होता है। अब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलेगा उसकी वाणी थोड़ी कटु तो होगी ही। ऐसे व्यक्ति को कटु सत्यवक्ता कहा गया। ऐसे व्यक्ति के घर में क्लेश का वातावरण रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति रखने वाला होता है, यानी एक से अधिक संपत्तियों का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है और आमदनी के लिए भी दूसरे भाव में शनिदेव का अच्छा प्रभाव बताया गया। यानी आय के मामले में शनि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट करेंगे, आयु के मामले में अच्छा रिजल्ट करेंगे, संपत्ति के मामले में अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन घर में क्लेश का वातावरण होने की वजह से व्यक्ति का जो मन है वो दुखी रहेगा। ऐसे जातक की माता को कष्ट बताया गया और ऐसा व्यक्ति वाणी से थोड़ा क्या होगा, कटु होगा। वहीं अगर तीसरे भाव की बात करें यानी पराक्रम भाव की, तो चंद्र कुंडली के पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में अगर शनिदेव हों तो जातक बहुत परिश्रमी होता है। हालांकि ऐसे जातक को कहा गया कि जातक कन्या संतति वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति की बेटियां ज्यादा होती हैं, पुत्रियां ज्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर व्यक्ति की जो कन्या संतति होती है वो उत्पन्न होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से मामलों में देखा गया कि अगर चंद्र कुंडली के तृतीय भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति की जो संतति होती है, खासतौर पर कन्या संतति, वो जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शिक्षा में बाधा के लिए भी कहा गया कि अगर तृतीय भाव में शनिदेव हो तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा होती है, कमी होती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्य अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की पिता से एक उचित दूरी बनी रहती है। यानी पिता और व्यक्ति के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं बताया गया। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का खर्च करता है। यानी उसका धन जो है ऐसी जगह खर्च हो जाता है जहां उसे उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तब भी वो अपना धन खर्च कर देता है। वहीं अगर चतुर्थ भाव की बात करें यानी फोर्थ हाउस की, तो चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक पुरुषार्थ करने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, कभी घर में बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा। शत्रुओं पर विजय श्री पाने वाला, यानी अपने शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ऐसे लोग जिनके चतुर्थ भाव में शनि होते हैं, एक तो ऐसे लोगों की माता को भी कष्ट होता है, ऐसे शनि जो चतुर्थ भाव में बैठते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहता है। अब चूंकि चौथे भाव में बैठे शनि की सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, इसलिए कहा गया कि व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और चूंकि चौथे भाव पर बैठे शनिदेव की दसवीं दृष्टि लग्न में भी पड़ेगी, इस वजह से कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का हर कार्य विलंब से संपन्न होता है। आप लोग ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी शनि जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, कहीं से भी बैठ के लग्न में अपना प्रभाव दे रहे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निखर जाता है। यानी व्यक्तित्व तो प्रभावशाली और अच्छा हो जाता है, परंतु उसके कार्य जो होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में जितने भी कार्य होंगे वो सारे विलंबित होते हैं। वहीं बात करें अगर पंचम भाव की, तो चंद्र कुंडली के पंचम भाव में शनि के लिए कहा गया कि जातक की पत्नी सांवली होती है, मधुर भाषी होती है और मिलनसार होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके पंचम भाव में शनि है, ऐसे व्यक्ति की जो भी पत्नी होगी वो मधुर भाषी, मिलनसार होगी। आय के क्षेत्र में लाभ होता है, धन लाभ। पंचम भाव में बैठा शनि धन लाभ कराने के मामले में बेहद अच्छा माना जाता है, व्यापार के मामले में अच्छा माना जाता है। यानी ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, बढ़ती उम्र के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में वो प्रोग्रेस करते हैं, यानी विकासशील रहते हैं।
वहीं अगर छठवें भाव में बात करें तो छठवें भाव में शनि के होने से क्या प्रभाव मिलता है, चंद्र कुंडली के छठवें भाव में शनि के होने से व्यक्ति बीमार नहीं होता, मतलब ऐसे व्यक्ति को बीमारी जल्दी नहीं होती, होती भी है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं, ऐसे लोगों के सामने उनके शत्रु नहीं आते। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी कर्ज नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कष्ट भोगने वाला कहा गया, यानी छठवें भाव का शनि व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट भोगने के लिए मजबूर करता है। ऐसे व्यक्ति को क्लेश भोगी भी कहा गया, क्लेश भोगी का मतलब ऐसा वातावरण जहां पे आपकी इच्छा ना हो रहने की, यानी क्लेश का वातावरण हो और वहां पे आपको रहना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को क्लेश भोगी भी कहा गया। वहीं सातवें भाव की बात करें, अगर सप्तम भाव में शनि हो तो क्या देंगे, सप्तम भाव में अगर चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसे जातक धार्मिक होगा, ऐसा व्यक्ति दान देने में विश्वास रखने वाला होगा, अगर उसके पास जो भी है वो उससे दूसरे की मदद कर सकता है तो वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा, शालीन स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ विद्वानों ने लिखा बहुभार्या से युक्त होता है, बहुभार्या से युक्त का मतलब ऐसे व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं। आज के परिवेश में ना तो ये संभव है और ना ही ये उचित है कि व्यक्ति एक से ज्यादा अधिक विवाह करे। उस समय जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी, वो दूसरा समय था, उस समय के अनुसार वो चीज़ उचित थी, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है। बहुभार्या की जगह ये आप मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति संपत्ति से युक्त होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता पाने वाला होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति जिनके सप्तम भाव में शनि होता है ऐसे व्यक्ति आलसी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा शनि सीधे अपना सातवां प्रभाव जो है अपने लग्न में देगा, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी भी परिस्थिति से निराश हो जाने वाले होते हैं। वहीं अगर बात करें अष्टम भाव में, अष्टम भाव में अगर चंद्र कुंडली में अष्टम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को के पिता को कष्ट होता है, अष्टम भाव का शनि पिता को कष्ट देने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति मेहनत से जी न चुराने वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ऐसे व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, संघर्षमय जीवन से अपना जीविका चलाने वाला होता है, यानी ऐसे लोगों को जिनके अष्टम भाव में शनि हो इनको आयु के लिए तो बहुत अच्छा कहा गया, क्योंकि शनि अष्टम भाव में कारक हो जाते हैं, आयु की वृद्धि कर देते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में जबरदस्त संघर्ष दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अष्टम भाव में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति को जितनी मेहनत करनी चाहिए वो उससे दुगनी मेहनत करता है, कभी वो ये नहीं कहता कि मुझे मेहनत नहीं करनी, यानी वो कर्मठ भी होता है और संघर्ष से अपना जीवन आसानी से चला लेता है। ऐसे व्यक्ति अगर विद्वानों ने कहा जिनके अष्टम भाव में शनि है ऐसे व्यक्ति अगर अधिक दान दें, यानी उतना दान करें जितना दान वो कर सकते हैं, तो अधिकाधिक दान से उनका कल्याण होता है। शनि हमेशा आपको दूसरों की मदद करने के लिए कहते हैं ताकि आप दूसरों को सबल बना सकें। वहीं अगर भाग्य भाव की बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में अगर शनि विराजमान हो चंद्र कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति शनि की दशा अंतर दशा में जातक को बोला गया कि जातक अधार्मिक हो जाता है, अपने धर्म का विरोध करने लगता है या धर्म में तर्क करने लगता है। लेकिन शनि की दशा अंतर दशा के अलावा मैंने देखा है कि अगर चंद्र कुंडली के नवम भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, धर्म का पालक होता है, अपने जो भी उसके रीति रिवाज होते हैं उनके कुल खानदान के ऐसा व्यक्ति उनको मानने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति पिता से बहुत क्लोज नहीं होता, यानी पिता से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, लेकिन पिता के लिए भी नवम भाव में शनि कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति उम्र के साथ साथ भाग्यवान होते जाते हैं, पिता को भी लाभ होता है और ऐसा व्यक्ति अगर कर्मठ हो जाए तो उसे हर प्रकार की सफलता मिलती है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या लग्न चंद्र कुंडली में अगर शनि नवम भाव से संबंध बना ले तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कर्मठ हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति कर्मठ हो जाता है यानी वो अपना मेहनत करने के लिए कमर कस लेता है तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें वो सफलता न प्राप्त कर सके। नवम भाव में बैठे शनि, जिन भी जातकों के नवम भाव में शनि बैठे होते हैं ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उन्हें काल भैरव या माँ काली की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से शनि जो है भाग्य में और सफलता देते हैं। वहीं अगर बात करें कर्म भाव की, दशम भाव की, दशम भाव में अगर चंद्र कुंडली में शनिदेव विराजमान हो तो कैसा प्रभाव होगा। दशम भाव में ऐसे व्यक्ति राजा सदृश बताया गया, यानी राजा अथवा राजा के समान, ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यापारी होता है, अगर नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी पे होगा, प्राइवेट नौकरी में है तो बहुत अच्छे पद में होगा, ऐसा व्यक्ति धनी होता है, प्रचुर मात्रा में धनी होता है, ऐसा व्यक्ति कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है, परंतु धनी होते हुए भी ऐसे व्यक्ति कृपण हो जाता है, यानी कंजूस हो जाता है। दशम भाव में स्थित शनि के लिए भी यही कहा गया कि अगर दशम भाव में शनि स्थित हैं और व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता चाहिए तो उन्हें काल भैरव या माँ काली की पूजा करनी चाहिए, जिससे शनि नवम या दशम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करने लगते हैं। खैर, दशम भाव में शनि को बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला कहा गया कार्यक्षेत्र के मामले में भी, और व्यक्ति अगर सामाजिक कार्यों से जुड़कर काम करे तो उसमें भी उसे विशेष सफलता प्राप्त होती है।
वहीं अगर बात करें कुंडली के एकादश भाव यानी 11वें भाव की, चंद्र कुंडली के अगर 11वें भाव में शनि हो तो क्या प्रभाव मिलता है। 11वें भाव में शनि हो तो विद्वानों ने लिखा कि ऐसा व्यक्ति चंद्र कुंडली के 11वें भाव में अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति पशुधन से युक्त होता है। अब आज के परिवेश में यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पशुधन हो, पशु हो, तो उसे आज के परिवेश में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आज के परिवेश की बात करें तो अगर एकादश भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी इत्यादि होती है और वो इनका शौकीन भी होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और सुखी होता है, यानी जो उसके पास है उसमें वो संतोष करता है। ऐसा व्यक्ति धन से सुखी होता है, कार्य उसके भी विलंब से होते हैं, लेकिन भाग्य वृद्धि के लिए एकादश भाव का शनि अच्छा माना जाता है। एकादश भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति को सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अगर ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने लगे तो ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति कंसिस्टेंसी से मेहनत करे तो उसे सफलता भी एक के वजह से सीढ़ियां होती हैं, एक के ऊपर एक, वैसे ही उसे सफलता भी मिलती है। एक चरण से दूसरे चरण में सफलता मिलती है और ऐसे करते करते वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है, यानी उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती अगर एकादश भाव में शनि हो तो। अब वहीं अगर द्वादश भाव की यानी 12th हाउस की बात करें, यहाँ पर शनि क्या प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिनके चंद्र कुंडली के द्वादश भाव में शनि हो बहुत अच्छा नहीं बताया गया। विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है, ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति कटु वाणी बोलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति शत्रु विजेता भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें भाव में शनि हो और बलवान अवस्थाओं में, ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादातर सफलता हासिल करते हुए देखे गए हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति 12वें भाव में बहुत सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये व्यय का भाव है और शनिदेव इस भाव में बैठकर, शनि जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं और अपनी दृष्टियां, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे शनि लग्न में बैठे हैं तो पहली तीसरी दृष्टि उनकी तीसरे भाव में पड़ेगी, फिर इसके बाद उनकी दूसरी दृष्टि होती है 7वीं और उनकी तीसरी दृष्टि होती है 10वीं। तो अपनी जो शनि की दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि में शनि जो है रिश्तों में विक्षेद कर देते हैं, रिश्तों में कमी ले आते हैं, लेकिन उनके जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं उसके कारकत्व में वृद्धि कर देते हैं। तो 12वें भाव में बैठे शनि कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं, जैसे ऐसा व्यक्ति शत्रु विजेता हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी फील्ड को चुनता है जिस फील्ड में उसको, जैसे वकालत की फील्ड है और शनि 12वें भाव में बहुत अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति को सफल बना देंगे, व्यक्ति को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलों में 12वें भाव में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब 12वां भाव भी एक ऐसा भाव है, अगर यहाँ पर शनि बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट ना कर रहे हो तो व्यक्ति को काल भैरव या माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इससे होगा ये कि अनावश्यक खर्चे उसके कम हो जाएंगे और ऐसा जो उसे महसूस होता है, 12वें भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति को कभी कभी नाकारा फील होता है, ऐसा लगता है उसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अंदर से उसकी भावना हट जाती है, उसे अपने कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष का सामना करना पड़ा था उससे उसमें सफलता मिल जाती है, संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति को भी चाहिए जिनके द्वादश भाव में शनि हो यानी 12वें भाव में शनि, कि ऐसे व्यक्ति को कर्मठ हो जाना चाहिए। शनि जब भी आपको ऐसा लगे कि शनि आपके जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में आपको खराब फल दे रहे हैं या देने वाले हैं, आप बस अपनी कमर कस लीजिए कर्म करने के लिए। शनि जो है वो न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। अगर आप कर्म से पीछे नहीं हटेंगे तो यही शनि आपको राजा बना देंगे। अगर आप अपने कर्म से जी चुराएंगे तो फिर शनि आपके भाग्य भाव में भी बैठ के आपको वो रिजल्ट नहीं करेंगे जिस रिजल्ट की आप अपेक्षा कर रहे थे कि मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना शनि का 12वें भाव में चंद्र कुंडली में फल। आप भी अपनी चंद्र कुंडली को देखिए और उसमें बताइए कि शनि किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा कि आप कोई भी फलादेश करने के पहले ग्रह किस राशि में है, उसका राशिपति कहाँ है, ग्रह किस नक्षत्र में है और उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, इतना ज़रूर देख लें। तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए आपकी चंद्र कुंडली में शनि किस भाव में है और उस शनि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और उनके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, यानी किस ग्रह की दृष्टि है। साथ में कमेंट में प्लीज़ ये भी बताया करिए कि जो आपको जानकारी दी जाती है कि इस भाव में शनि ये रिजल्ट करते हैं, उस भाव में ये रिजल्ट करते हैं, तो ये जानकारी आपके ऊपर कितनी लागू हो रही है, कितनी चीज़ें हैं जो आपसे मैच कर रही हैं और कितनी चीज़ें हैं जो आपसे मैच नहीं कर रही। उससे होगा ये कि ये जानकारी जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और मैं पढ़ के आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो मुझे भी ये पता चलेगा कि किताबों से लिखी हुई चीज़ें असल ज़िंदगी में कितनी प्रभावी हैं, कितनी कारगर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।